हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक कीवर्ड लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा कीवर्ड मैं लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छा आपको पैसा आपको मिलने वाला है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ दो ही टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ठीक है। अगर आप दो चीज़ अगर आप काम करते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप दो चीज़ में से अगर काम नहीं करते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग और या ब्लॉगिंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको देखने का, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ दो ही लोग करेंगे इस काम को जो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, सिर्फ ये दो ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि और किसी टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं है ये वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा हमारा कीवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पूरा कीवर्ड। और कीवर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, काफ़ी अच्छा आपको CPC भी मिलेगा और कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे मैं आपको बढ़ाता हूँ। चार वेबसाइट चाहिए आपको रैंक कराने के लिए टॉप 10 वेबसाइट में, टॉप टॉप 10 में गूगल पे, ठीक है। कीवर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक केतली। इलेक्ट्रिक केतली मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक केतली क्या होती है। ये है इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक, मतलब 2200 वाट इलेक्ट्रिक केतली है, ठीक है ना। ये 1.7 लीटर का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक यहाँ पर मैजिक। मैजिक ये है कि सबसे ज़्यादा आप देखिए यूनाइटेड स्टेट से, मतलब कि USA से ट्रैफिक है, 35,000 का ट्रैफिक है USA से। उसके बाद इंडिया से 20,000, 22,000 का। उसके बाद आप देखेंगे सारी बाहरी कंट्रीज है, काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा इस कंट्री से, सारी कंट्रीज, ठीक है। और सिर्फ चार वेबसाइट चाहिए आपको रैंक कराने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो आप इस कीवर्ड को बहुत ही फ्रेंड्स इजीली इजीली रैंक करा सकते हैं आप, ठीक है। चार वेबसाइट आपको मात्र चाहिए टॉप 10 में। अगर आपने 10 वेबसाइट बना लिया तो दूसरे तीसरे नंबर पर आप रैंक करेंगे। अमेजोन की पहली वेबसाइट है, उसके बाद आपका ही नंबर आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पेड है, पेड का आपको बहुत ध्यान देना है। जब तक आपका पेड का जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, तब तक आपको CPC बहुत कम मिलेगा। ये गूगल एडसेंस जो लोग अपने ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉग पे अपना गूगल एडसेंस का कोड लगाए हुए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जब भी देखें कीवर्ड को, तो आपका पेड कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपका पेड कीवर्ड नहीं है तो CPC बहुत कम मिलता है। अगर पेड कीवर्ड है वो, तो उस पर लोग पैसा लगा रहे हैं उस कीवर्ड पर, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर जिस कीवर्ड पे पैसा लोग नहीं लगाते हैं, कंपनी वाले पैसे नहीं लगाते हैं, उस कीवर्ड पे आपको बहुत कम 0.2 मिलेगा, 0.1 मिलेगा, 0.5 का CPC मिलता है, ठीक है। बहुत ही कम पैसा मिलता है CPC में, अगर वो पेड नहीं है तो। इसमें देखिए 56% पेड है, यानी आपको 0., मतलब कि 50 का मतलब कि CPC मिलेगा, और काफ़ी अच्छा CPC है ये अगर मेरे मानने से तो। और फ्रेंड्स, ये हमारा पहला टॉपिक था, और मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है, बहुत ही मैं सिर्फ आपको बहुत छोटा छोटा कीवर्ड भी दिखा रहा हूँ अभी। मैं बहुत बड़े बड़े कीवर्ड भी दिखाऊंगा, पहले आप छोटे छोटे कीवर्ड से स्टार्ट कीजिए। जब 100-100 लोग को आप इकट्ठा करेंगे ना, तब आपको एक दिन ऐसे लाखों लोग हो जाएंगे, और लाखों लोग वो होंगे जो किसी के पास नहीं होते, ठीक है। सर्च वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर 100 लिखा है। आप बात को पहले समझिए, सर्च वैल्यू सेल क्या है। यहाँ पर 0.50 का मतलब कि 15 का CPC है, और 0 या देखिए इजी है, सिर्फ 0.0 है, ठीक है। और यहाँ ग्लोबल वैल्यू पे आप देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। 5,000 का ट्रैफिक है, जिसमें से आपको USA से मतलब कि 2800 का ट्रैफिक मिलेगा, और यूनाइटेड किंगडम से मिलेगा 1 पॉइंट से, मतलब कि 1700 का यूनाइटेड। सिर्फ इसी दो कंट्री से अगर आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ मैं ये इंडिया में सिलेक्ट किया हूँ, तभी जाके ये 100 दिखा रहा है। अगर मैं USA में किया होता अभी, तो उसके बाद ये जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मैंने जब सर्च किया था तो मैंने यहाँ इंडिया किया था। अगर मैं यहाँ USA किया होता तो ये दिखाता बहुत अच्छे से, तो यहाँ वो मतलब 5,000 का ट्रैफिक दिखाता, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा सर्च करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप बात को समझ जाइए। तो ये आप अगर इस कीवर्ड पे काम करते हैं, कीवर्ड क्या है? प्लास्टिक स्टोरेज। प्लास्टिक स्टोरेज सेट होता है, प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पर पैरेंट टॉपिक में लिखा है प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्सेस, प्लास्टिक स्टोरेज स्टोरेज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है फ्रेंड्स, ये सेलिमोन का होता है, सेलिमोन प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर सेट।
अगर इस तरह के कीवर्ड पे अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका एफिलिएट मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में काफ़ी अच्छा कीवर्ड बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा कीवर्ड बताने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग को वो जो मैं कीवर्ड बताऊंगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो ब्लॉगिंग करते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कीवर्ड इस चैनल पे कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग के बारे में ही इस चैनल पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।